और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विनी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 11:43 तक रहेगी। आज रवियोग और कुमार योग है। रवियोग अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से आसपास सब कुछ अच्छा रखने में मदद करता है और कुमार योग सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने में मदद करता है। साथ ही ये विद्या प्राप्ति में भी सहायक है। रवियोग आज रात 8:49 से पूरी रात पार करके कल शाम 7:19 तक रहेगा, जबकि कुमार योग सूर्योदय से आज रात 8:49 तक रहेगा। आज रात 8:49 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है एक से अधिक शाखाओं वाला। विकंकत के पेड़ का संबंध विशाखा नक्षत्र से बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन विकंकत के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। और अब चर्चा रवियोग और कुमार योग के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उपायों के बारे में। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो आज एक पीतल का बर्तन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। उसके बाद विधिपूर्वक उस बर्तन की पूजा करें और पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर लें। आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अब बात आशियाने की, घर की छत की, जिसकी जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को होती है और जिसके बगैर किए गए अपने घर के बगैर किए गए पुण्य सही ढंग से मनुष्य को नहीं मिलते। यानी कि अगर आपको घर बनवाने या उसमें सुधार करवाने में दिक्कतें आ रही हैं तो आज विधिपूर्वक पुष्प और धूप दीप आदि से विश्वकर्मा की पूजा करें, सभी परेशानियों से जल्दी छुटकारा मिलेगा। देखो, हमको विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुशिल्पी थे और हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज में या जिस किसी भी समाज में अपने इंजीनियर्स के प्रति, अपने निर्माताओं के प्रति, अपने वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान होता है वो समाज निश्चय ही प्रगति करता है। प्राचीन भारत में नाचने गाने वालों का सम्मान तो था लेकिन वो हमारे नायक नहीं थे। वो कभी हमारे नायक नहीं थे। सम्मान था, सम्मान बिल्कुल था एक कलाकार की हैसियत से। और जो पहला लिच्छवी गणतंत्र था उसमें तो ऐसी परंपराएं थी, मतलब जो है बड़ी अच्छी परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सम्मान किसका था? सम्मान आध्यात्मिक लोगों का था, सम्मान वैज्ञानिकों का था, सम्मान केमिस्ट का था यानी वैद्य का था, सम्मान उन लोगों का था जो जीवनदायी थे, जो आपके जीवन को सुगम बनाते थे। तो प्राचीन भारत में विश्वकर्मा जी का सम्मान था और आज भी होना चाहिए। आपको पता है कि आपके बगल में जो फोन दिन भर आप हाथ में लिए रहते उसका आविष्कार किसने किया है? यू नेवर नो। लेकिन आपको ये मालूम है इस फिल्म में फला हीरो है, फला हीरोइन है और उनके आप दीवाने हैं, उनके लिए आप ऑटोग्राफ के लिए खड़े रहते हैं। आपने कभी सोचा कि आपके जीवन को सुखद बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने ये टेलीविज़न जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं इसका आविष्कार किसने किया था? आपको तो हमसे जो भी मिल रहा है इसी के माध्यम से तो मिल रहा है, तभी उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं आप ना? हीरो हीरोइन और घर के बाहर आप खड़े रहते हैं घंटों, उनको हैप्पी बर्थडे कि अब वो छत पर आए, उन्होंने हाथ हिलाया। तो जो समाज अपने अभियंताओं का, अपने निर्माताओं का, अपने वैज्ञानिकों का, अपने विद्वानों का सम्मान करता है वो समाज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। बहरहाल बात कर रहे थे घर निर्माण की, तो अगर आपको अपना घर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आज विश्वकर्मा जी की पूजा करें। और अब बात शत्रु की। अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं और उस पर विजय पाना चाहते हैं तो आज एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लें और साथ ही एक कटोरी में पानी की सहायता से थोड़ी सी हल्दी घोल लें। अब उस पीले रंग के कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दें। आपको जल्द ही शत्रु पर विजय प्राप्त हो। सनातन धर्म क्या वजह है कि यूनानों में सर रोमा सब मिट गए जहाँ से? ये बात है कुछ ऐसी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। वो क्या बात है? हम शत्रु के विनाश की बात नहीं करते, हम शत्रुता के विनाश की बात करते।
अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका शत्रु, उसके चित्त में आपके लिए प्रेम भाव जागेगा, शत्रुता नष्ट हो जाएगी, शत्रुता के कारण समाप्त हो जाए। सनातन धर्म तो इतना विशाल है कि आप दुनिया का कोई भी कंसेप्ट ले आओ आपको सनातन धर्म में मिल जाएगा। आपको हम ईश्वर को नहीं मानते, एग्जैक्टली आइए सनातन धर्म में आपके लिए व्यवस्था है। हमारे छह दर्शन न्याय, सांख, योग, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो इसलिए हमारे यहाँ सबके लिए, कहीं हम मूर्ति को नहीं मानते, एग्जैक्टली आप निरीश्वरवाद हमारे यहाँ मौजूद है, वो अमूर्तिवाद, मतलब हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म की उपासना का बड़ा पुराना विधान। तो इसलिए देखो ये सनातन धर्म बड़ा सरल है और ये शत्रुता के विनाश की बात करता है, ये शत्रु के विनाश की बात नहीं करता। हालांकि हमारे सभी देव देवताओं के हाथों में हथियार हैं और समय समय पर उन्होंने अपने शत्रुओं का विनाश किया है। और ज्योतिष ये इस दुनिया की विद्या है, ये उस दुनिया की विद्या से पहले आपको इस दुनिया के बारे में चीज़ें बताता है। तो शत्रु के विनाश के लिए, उसकी उसके चित्त में शत्रुता के विनाश के लिए ये उपाय कीजिए। और अब बात घर परिवार की पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको रिड्यूस होती लग रही है, धीरे धीरे कम होती लग रही है, तो आज आपको सूर्य यंत्र की स्थापना करनी है। आज एक भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम से, या फिर सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल स्याही से या लाल पेन से सूर्य यंत्र का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए और उस वर्ग में 9 खाने बनाइए, यानी 3 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम में 3 खाने बनाने हैं। पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 6, 1 और 8 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लिखना शुरू करेंगे ऐसे 7, 5, 3। फिर लास्ट कॉलम में 2, 9, 4। अब देखो आजकल तो हर आदमी देवनागरी वो लिखता है, अंग्रेजी वाले 2, 9, 4। आज के बच्चे जानते ही नहीं कि आजकल पहले 4 ऐसे बनता था। आप जैसे चाहें, अगर आप वैसे 4 बना सकें तो बहुत ही अच्छा, वैसे न बना सकें तो जो चलता हुआ भाषा है उसमें लिख लें। ये प्रतीक रूप में होते हैं और इनकी प्रतीकात्मकता क्या अभिव्यक्त करती है, किसी दिन हम इसकी भी चर्चा करेंगे। हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ 6 लिखा उसका मतलब क्या है, जहाँ 4 लिखा उसका मतलब क्या है, जहाँ 2 लिखा उसका मतलब क्या है, कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना है। अब इस तरह अगर 3 कॉलम में आपने बनाया, आपका यंत्र बन के तैयार हो गया, वैसे आप धातु आदि पर भी यंत्र बनवा सकते हैं और यंत्र बना बनाया यंत्र भी ले सकते हैं। और यंत्र तैयार होने के बाद उचित स्थान पर पूजा करके उसकी अच्छे से पूजा करिए, खूब मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए। और सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का कम से कम 11,000 बार जप करना चाहिए। आज इतना सुंदर संयोग है ग्रहों का, उसमें ये सब कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किए हुए यंत्र को आप उपयोग में ले सकते हैं। आप इस यंत्र को अपने घर में, घर के मंदिर में रखिए और रोज इसे धूप दिखाइए। इससे आपके घर परिवार की पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर उनके मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। पिता के साथ आपके रिश्ते जल्द ही बेहतर होंगे। अगर आपका कोई मित्र आपसे रूठ गया तो आज एक गोमती चक्र लेकर उसे अपने घर के मंदिर में रखिए और अपने मित्र का ध्यान करते हुए उस गोमती चक्र की रोली और पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा के बाद अगर आप उस गोमती चक्र को अपने मित्र को भेंट कर सकें तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं तो अपने पास रख लीजिए, आपका रूठा मित्र बहुत जल्दी मान जाएगा, प्रेम भाव हो जाएगा। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आज रवि योग में आपको 2 मुखी रुद्राक्ष की उचित विधि से पूजा करके उसे गले में पिरोकर अपने गले में धारण करना चाहिए, आपको तनाव से अवश्य मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन साथी का मन बहुत कमजोर है तो आज आपको उन्हें चंद्र यंत्र पहनाना चाहिए। आप चाहें तो चांदी से बना चंद्र यंत्र ले सकते हैं या फिर भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम द्वारा खुद भी ये यंत्र बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब न हो तो आप एक सफ़ेद कागज पर लाल पेन की सहायता से यंत्र बनाइए और यंत्र बनने के बाद उसका शुद्धिकरण करके उचित विधि से पूजा करें। फिर उस पर चंद्रदेव के मंत्र का 21,000 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। ओम
ऐं ह्रीं सोमाय नमः, आप जितने अधिक मंत्र का जप करेंगे आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। मंत्र जप से सिद्ध किए हुए चंद्र यंत्र को अपने जीवन साथी को पहनाइए, आपके जीवन साथी का मन मजबूत होगा और उन्हें सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी आर्थिक तरक्की को की गति को भविष्य में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज हल्दी की 5 साबुत गांठें और 1 रुपए का सिक्का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रखें और एक घी का दीपक जलाएं। जब दीपक अपने आप बुझ जाए तब उस पोटली को मंदिर से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। आपकी आर्थिक तरक्की निरंतर बनी रहेगी, कंटिन्यूअस तरक्की होगी। अगर आपकी दोस्ती में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे तो आज अपने दोस्त को धातु से बनी विंड चाइम गिफ्ट करें। विंड चाइम तो समझते हैं ना, वो ये चीन में बहुत इस्तेमाल होती है, धातु से बनी विंड चाइम, वो जो लटकी हुई रॉड्स होती हैं हवा चलने से लड़ती हैं, बड़ी मधुर ध्वनि पैदा होती है। नॉर्मली घर के उत्तर पश्चिम दिशा में ही लगानी चाहिए, क्यों? पश्चिम और उत्तर पश्चिम का बीच का हिस्सा धातु होता है। अगर उत्तर पश्चिम में विंड चाइम आप लगा रहे हैं, वहाँ मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो उस दिशा का स्वामी चंद्रमा, मधुर ध्वनि उत्पन्न होने से वहाँ पे जीवन में पॉजिटिविटी लगातार क्रिएट होती रहेगी। वहाँ पे हवा आते से धातु वायु तत्व है ना उस दिशा का, और उससे उस दिशा के तत्व से अगर घर में मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो निश्चित रूप से घर में मधुरता लगातार बढ़ती ही रहेगी। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज सौभाग्य दिशा यंत्र की स्थापना करके उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उसे मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर आप बना बनाया यंत्र नहीं ले सकते हैं तो अनार की कलम लेकर भूर्जपत्र ही रचित्वा, यानी भोजपत्र पर अष्टगंध से यंत्र बनाना चाहिए। अब देखो सबके अष्टगंध अलग अलग हैं, हम आपको बार बार बताते हैं, ये देवी अष्टगंध है ना। अब बीसा यंत्र जिसके पास रहा है बीसा, उसका क्या करें जगदीशा। अब उसमें दो तरह के हैं, दुर्गा बीसा भी है, सामान्य बीसा भी है। आप कौन सा बना रहे हैं? अगर आप दुर्गा बीसा बना रहे हैं तो गोरोचन अलग, गोरोचन कुमकुम अलग तकेना कर्पूर सिंदूर मधुत्रेण, है ना, इन चीज़ों से बनाना चाहिए। अगर आपके पास ये सब ना हो तो सादे कागज पर लाल रंग की स्याही से, लाल पेन से यंत्र बनाइए और यंत्र की फोटो हमारी टीवी स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार यंत्र तैयार करने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए और उसे उचित स्थान पर स्थापित करिए, फिर ताबीज में भरकर अपने गले में पहनिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में पीछे है यानी कमजोर है तो आज उसे विद्या यंत्र पहनाइए। आज रवि योग के साथ कुमार योग के संयोग में विद्या यंत्र पहनाने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। आप आज भोजपत्र द्वारा, अष्टगंध से, अनार की कलम द्वारा खुद भी यंत्र बना सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर एक वर्गाकार आकृति बनाइए और उसमें 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाइए। आप पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम में 11, 1 और 8 लिखिए, दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 4, 7, 9 लिखिए, फिर तीसरे कॉलम में इसी तरह 5, 12 और 3 लिखिए। यंत्र बनाने के बाद उसकी धूप दीप पुष्पाद से पूजा करके उसे सिद्ध करें। सिद्ध किए हुए विद्या यंत्र को ताबीज में भरकर बच्चे के गले में पहना या उसकी बाजू पर बांध दें। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज विशाखा नक्षत्र, रवि योग, कुमार योग के बारे में। एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति में सभी लोग इन उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है आप इस चर्चा का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे।